हेलो गाइस, हम सब जानते हैं चंदा मामा के बारे में। सिल्वरी शाइनी नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अवर अर्थ। मून अर्थ के सबसे पास की सेलेस्टियल बॉडी है, इसलिए मून इसके ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से अर्थ की काफ़ी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। लेट्स इमेजिन नाउ मून गायब हो जाए तो अर्थ और अर्थ पर रहने वाले लोग, पेड़ पौधे और जानवरों की लाइफ कैसी होगी। हमें पता है अर्थ अपनी एक्सिस पर 23.5 डिग्री से झुकी हुई है। मून का ग्रेविटेशनल खिंचाव अर्थ के इस झुकाव को सन के अनुरूप स्टेबल या स्थिर रखता है। इसी झुकाव के कारण हमें चार मौसम और रहने के लिए सूटेबल जलवायु मिलती है। सपोज मून है ही नहीं, अर्थ का एक्सियल झुकाव भी अनस्टेबल हो जाएगा, दैट मीन्स मौसम और जलवायु दोनों में बदलाव होगा। ये बदलाव परेशानियाँ भी क्रिएट कर सकते हैं। मून अर्थ के चारों ओर घूमता है और अर्थ सन के चारों ओर घूमती है। इस पैटर्न की वजह से हमें दिन में 24 घंटे और साल में 365 दिन मिलते हैं। अब अगर मून पिक्चर से गायब है तो अर्थ के घूमने का ये पैटर्न डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि मून के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से था। मींस अर्थ अब से 3-4 गुना ज़्यादा तेज़ी से घूमेगी, जिससे दिन और रात जल्दी जल्दी होंगे, लगभग 6 से 7 घंटे का दिन और फिर रात। अर्थ के बहुत स्पीड से घूमने की वजह से अर्थ पर हवा की स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, ऑलमोस्ट 450 से 500 किलोमीटर पर आवर। ज़रा सोचिए इससे अर्थ पर कितनी अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा। पक्षी कीड़े मकोड़े, इनका तो सर्वाइव करना ही इम्पॉसिबल है, मीन्स इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। अब एक और सीन की बात करते हैं, टाइडल इफेक्ट्स, जिसे ज्वारभाटा भी कहते हैं। इसका मतलब हुआ सन और मून के स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल की वजह से अर्थ पर मौजूद सागर और महासागर के पानी को एनर्जी के साथ ऊपर उठना और नीचे गिरना। सन का अर्थ से ज़्यादा दूर होने की वजह से ओशियन टाइड्स पर मून का इफेक्ट ज़्यादा होता है। अब अगर मून होगा ही नहीं तो ये कंट्रोल सन के पास आ जाएगा। मीन्स ये टाइड्स इतने स्ट्रॉन्ग और अनप्रेडिक्टेबल होंगे कि ग्लोबल सुनामी जैसी सिचुएशन बन जाएगी, जो कोस्ट लाइन और आसपास की सारी लाइफ ख़त्म कर देगी। इससे रीजनल क्लाइमेट भी बदलेगा और मरीन लाइफ मीन्स समुद्र में रहने वाले जीव जंतुओं की लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। इससे फूड चेन भी डिस्टर्ब होगी। दूसरे प्लैनेट जैसे मंगल भी अर्थ के ग्रेविटेशनल इफेक्ट को महसूस कर सकते हैं। इससे अर्थ अलग अलग डायरेक्शन में खिंचेगी। नॉर्थ एंड साउथ पोल पर जमे ग्लेशियर अपनी अपनी जगह से मूव करना शुरू कर देंगे। सारी फसलें खराब हो जाएंगी, खाने पीने तक का संकट हो जाएगा। मून हमें एस्टेरॉयड और कॉमेट से भी बचाता है। इसका मतलब हुआ उल्कापिंड और धूमकेतु जैसी भारी भरकम सेलेस्टियल बॉडीज, जो धूल गैस बर्फ चट्टान आदि से बनी होती हैं, इनका अर्थ से टकराने का डर रहता है। मून इनसे अर्थ का बचाव करता है। मून पर मौजूद क्रेटर्स या खट्टे इस बात का प्रमाण है। सो लेट्स शो आवर ग्रेटिट्यूड टू मून, जिसकी वजह से हम सब सही सलामत अर्थ पर जी पा रहे हैं। हमारे कल्चर में तो सन और मून की पूजा होती है, व्रत होते हैं, ये भी ग्रेटिट्यूड शो करने का एक तरीका हो सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।